तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास आईटेल का विजन वन प्रो। और फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस फोन में कैसे अपने फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जानेंगे कि आप इस फोन में अपने ऑडियो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी कैसे हाइड कर सकते हैं, सारा कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेप रहेंगे जिनको फॉलो करके आप ये सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो फटाफट से क्या करना है आपको, यहाँ पे आपकी जो गैलरी है उसको ओपन करना है। तो आप देखेंगे आपके फ़ोन में देखने को मिलता है आपको AI गैलरी, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखता है एल्बम टूल एंड फोटो। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे टूल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखता है आपको हाइट, हाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी हैज टाइप करके चार अंकों का पासवर्ड लगाना है। जैसे कि हैज मैं लगाना हूँ यहाँ पे 1 2 3 4। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आपको ये शो कराएगा कि आपने ये डाला है रिमेंबर योर पासवर्ड, यानी कि हैज 1 2 3 1। तो यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है 1 2 3 1 है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, आपको नोटिस जो कराएगा जो आपने डाला है पासवर्ड, तो आपको आई रिमेंबर पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे कि ये ओपन हो जाएगा हमारा, जो कि एक साइड है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर्स पर क्लिक करना है। अगर आपको फोटो हाइड करनी है तो पिक्चर्स पर क्लिक करना है। फिर आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको गैलरी में से उठाना है, तो गैलरी पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने फोटो हैं, जितने फोल्डर्स हैं, आपको सारे शो हो जाएंगे यहाँ पे। तो मेरे फ़ोन में सिर्फ स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, तो वो स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे एक ही फोल्डर शो करा रहा है। तो आपको क्या करना है, उस फोल्डर में जाना है जिसमें आपने अपने फ़ोटो हाइड करने हैं। तो जैसे कि मुझे ये वाला फोटो हाइड करना है, सिंपल इस तरीके से इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ कन्फर्म करा देना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको इस पर कन्फर्म कराएंगे तो आपको एक एल्बम दिखेगी, प्राइवेट एल्बम, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटो यहाँ पे प्राइवेट एल्बम में आ जाएगा। तो आप देखेंगे हमारा जो फोटो है इसके अंदर आ चुका है। तो इसके जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो कि फोटो, इस तरीके से हमारा ये फोटो है तो वो आ चुका है। अब इसी तरीके से आपको वीडियो हाइड करना है, जैसे कि सिंपल इस तरीके से वीडियो पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर क्लिक करना है। अब जो आपकी वीडियो होंगी सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। सिंपल उसी तरीके से टैप करना है, कन्फर्म करा देना है और देखेंगे हमारी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरीके आपको यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं, जो कि आपके फ़ोन में कोई भी आपने कॉल रिकॉर्डिंग या फिर किसी पर्सनल रिकॉर्ड कर रखा है, उसको भी आप सिंपल इसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। मेरे फ़ोन में कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है तो वो नो रिकॉर्ड बता रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस फोन में अपने फोटो और वीडियो को हाइड करा सकते हैं और अनहाइड भी करा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स जैसे कि वीडियो अनहाइड करनी है, सिंपल इस तरीके से इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे तो आपको दिखता है यहाँ पे एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करके आपको ये एक्सपोर्ट कर देना है। तो आपकी जो वीडियो जहाँ से आई थी वहीं पे डायरेक्ट पहुँच जाएगी। तो जैसे कि हमारी जो कि एल्बम है इसमें देखेंगे हमारी जो वीडियो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वीडियो और फोटो को हाइड कर सकते हैं और इसी तरीके से अनहाइड करा सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ज़रूर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।